बॉम्बई शहर में करण अपनी पत्नी प्रीता और पृथ्वी अपनी पत्नी मायरा के साथ रहते थे। दोनों ही कपल की नई नई शादी हुई थी और दोनों ही एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त होते हैं। तभी एक दिन मायरा प्रीता से मिलने के लिए आती है और कहती है, यार प्रीता बहुत दिन हो गए हैं, हम दोनों अपने पतियों के साथ कहीं घूमने के लिए बाहर नहीं गए हैं, तो क्यों ना गर्मी में हम दोनों अपने पतियों के साथ घूमने के लिए शिमला जाएं। जिसे सुनकर प्रीता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है, आज शाम को जब हमारे पति घर आएंगे तो हम दोनों उनसे बात करेंगे कि वो हमें इस बार घुमाने के लिए शिमला ले जाएं। तभी थोड़ी देर बाद शाम को जब करण और पृथ्वी दोनों ऑफिस से घर आते हैं, तब प्रीता और माहिरा मिलकर दोनों अपने पतियों से कहते हैं, हमें इस बार गर्मियों में घूमने के लिए शिमला जाना है, क्या तुम हमें घुमाने के लिए शिमला ले चलोगे। जिसे सुनकर पृथ्वी कहता है, सच यार, बहुत दिन हो गए हैं, हम दोनों अपने पत्नियों को कहीं घुमाने के लिए बाहर नहीं ले गए हैं, तो फिर चलते हैं ना इनकी बात मानकर। जिसे सुनकर प्रीता और माहिरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। जिसके बाद संडे को सभी एक साथ मिलकर शिमला घूमने के लिए जाते हैं और वहां पहुंचकर सभी बहुत ही ज्यादा मौज मस्ती करते हैं और नई नई जगह घूमते हैं। तभी एक बार दोनों के पति अपनी पत्नियों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं और फिर सभी एक साथ मिलकर एक ही टेबल पे बैठकर इधर उधर घूमने लगते हैं और देखने लगते हैं। जहां ऋषभ नाम का एक वेटर उनके पास आता है और कहता है, सर आप अपने खाने का ऑर्डर दे दीजिए। तभी वो करण और पृथ्वी को ध्यान से देखकर कहता है, इनमें से तो एक अय्याश पति है, तो दोस्तों क्या आप इस तस्वीर को देख के बता सकते हैं कि इन दोनों में से अय्याश पति कौन है। अगर हाँ तो आप अपना आंसर हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिसके लिए आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम है और आपका टाइम ये स्टार्ट होता है। चलिए जानते हैं कि ऋषभ को कैसे पता चला कि इन दोनों में से एक अय्याश पति है। तो आपको बता दे, जब ऋषभ उन दोनों को देखता है तो कहता है, इन दोनों में से करण एक अय्याश पति है, क्योंकि जब ऋषभ उन दोनों के पास खाने का ऑर्डर लेने के लिए जाता है तब वो करण की बात सुन लेता है जो वो अपने दोस्त पृथ्वी से कह रहा होता है कि यार हमारे सामने तो कितनी खूबसूरत लड़की बैठी है, मुझे तो बस वही चाहिए एक बार, क्योंकि मैं इसे एक बार अपना बनाना चाहता हूँ। जिसे सुनकर ऋषभ को पता चल जाता है कि करण एक अय्याश पति है। तो दोस्तों आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग पहेलियों के जवाब देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।